पूरी वायरिंग का काम रहता है और इसकी जो डीजल का है केन, इसको अभी इसमें टैंकी के अंदर फिट करेंगे। थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग रहती है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ी सी इसकी वायरिंग वगैरह का काम रहता है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है इन्होंने। ये है जी सर, जिन्होंने अपने बड़े शौक से तैयार करवाया है इसको, जिससे इसकी बचत होगी पेट्रोल की भी, मतलब जाहिर है डीजल है, डीजल का एवरेज जो है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली पेट्रोल इंजन के। और ये जो है ये तकरीबन 1000 cc पावर देगा, ऐसे ही है जी, 1000 cc पावर देगा जी। जहाँ पे छोटा मोटरसाइकिल है वो छोटा वजन खींचेगा, ये ज़्यादा वजन का जो है एवरेज खींचेगा। बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी इन्होंने, दुआ करते हैं ये कामयाब रहे। इसके बाद इनका रिव्यू भी लेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा और चलाएंगे रोड पे, तब इनसे पूछेंगे कि कैसा रहा इनका तजुर्बा। लें जी, आज जो गाड़ी इंजीनियर्स लेकर आए हैं आपके लिए एक बड़ी ही बेहतरीन चीज़, ये देखें आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको, ये लोडर रिक्शा है 1000 cc, ये पीटर इंजन लगा हुआ है इसमें, इसको कन्वर्ट किया है, दूसरा इंजन निकाल के इस पे 1000 cc ये वाला इंजन लगा दिया डीजल पे, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा इसका, एक तो ये एवरेज इसकी जो बढ़ जाएगी, ये तकरीबन कर रहा है कोई 50 किलोमीटर कर रहा है 1 लीटर में, और दूसरा ये कि ये वज़न भी जितना मर्ज़ी आप इस पर लोड जो है वो इसको जितना मर्ज़ी आप इंक्रीज़ कर लें, लोड का भी मसला नहीं रहेगा। इसमें ये जो है ये जनरेटर लगा हुआ है, ये जनरेटर लगा हुआ है, इसमें सारी गाड़ी वाली चीज़ें लगा दी हैं उन्होंने, मतलब कि 1000 cc में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितना ये वज़न खींच सकता है, ये सारी चीज़ें देख लें आप, ये कमानियाँ भी लगा दी हैं इसको, ये सारी चीज़ें इसमें गाड़ी वाली लगा दी हैं। ये 1000 cc तैयार हो गया है। जैसा कि आपको पता है आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, और जाहिर है ये वाले जो रिक्शे हैं 200-250 cc में आ रहे हैं और लोड भी इतना जो है वो नहीं खींच रहे, ये अच्छा खासा लोड भी खींचेगा और साथ आपको एवरेज भी अच्छी देगा। लोडर रिक्शे वाले जितने भी हजरात अब परेशान थे उनके लिए अब ये ख़त्म हो गई चीज़। ये लीवर है इसका, गियर लीवर है, गियर भी लगा दिया इसको, ठीक है। और ये देखें पीटर इंजन लगा दिया है, पीटर इंजन से ये है कि इसकी एवरेज बढ़ जाएगी। और यहाँ पे इसको रेडिएटर लगा दिया है, कूलिंग सिस्टम, ताकि इंजन वगैरह इसका जो है वो हीट ना हो। अब आप देख लें ये बड़ा बेहतरीन तैयार हुआ है, इसको हम ऑन रोड भी चेक करेंगे एक दफ़ा, उसके बाद फिर उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो हमने इसको चेक किया है थोड़ा सा, तो बड़ा बेहतरीन चल रहा है, इसकी आवाज़ भी कम है दूसरे रिक्शे का। टोटल ख़र्चा जो इस पर आया है वो 85,000 रुपये आया है अभी तक, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आपके सामने लगी हुई हैं, आपको दिखा रहा हूँ, इसकी बेहतरीन रिक्शा तैयार हुआ। अभी इसको थोड़ा सा काम रहता है वायरिंग वगैरह का, वो भी करवा रहे हैं। इसमें सेल्फ भी लगा दी है, बैटरी भी लगा दी है, ये सेल्फ स्टार्ट इसका जो ना गाड़ी वाला सेल्फ लगा दिया है, ये सेल्फ स्टार्ट होगा। ये देखें इसकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बैक गियर वगैरह हर चीज़, इसमें रॉड वगैरह भी लगे हुए हैं, ये इसका सेल्फ है ये जो है, ठीक है। तो ये भी इसमें लगा दी है, अब ये सेल्फ स्टार्ट होगा। ये था जी जुगाड़ी इंजीनियर का एक और जुगाड़, इसके बाद इंशाल्लाह हम आपके साथ मज़ीद जो है वो जुगाड़ शेयर करते रहेंगे और भी चीज़ें शेयर करेंगे। हमारा चैनल ज़रूर ये देखेंगे।